Dear students in this module we are going to talk about the world system theory which explains the global process of stratification world system theory is a perspective that explains global stratification as a result of interconnectedness of the worlds economic and political systems जो वर्ल्ड सिस्टम थीरी है इसके ख्याल में सारी दुनिया ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर एक्नॉमिक सिस्टम से जुड़ी हुई है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एडवानटेज़स पोजिशन के ऊपर हैं और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो डिसएडवानटेज़स पोजिशन पर हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कैपिटलिस्टिक कैपिटलिस्टिकनॉमिक सिस्टम को देखते हैं कि ये क्लास बेस्ड सिस्टम होता है इसमें दो क्लासेस होती हैं एक बुर्जुआ क्लास है और एक प्रोलीटेरियट क्लास है तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रखने वाली क्लास है वो एडवाटेज़स पोजिशन पर होती है जो वर्किंग क्लास है या लेबर क्लास है वो रिलेटिवली डिसडवानटेज़स पोजिशन पर होती है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकते वो चूज़ नहीं कर सकते और जो प्रोलिटेट क्लास है उसके अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि पोटेंशियली जो उनकी लेबर होती है उसकी वैल्यू जो है वो मार्किट के मुताबिक लगाई जाती है और जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी ही चीप लेबर जो है वो उनकी बिकती है बिल्कुल इसी अंदाज से वर्ल्ड सिस्टम थीरी जो है ये कंट्रीज़ के दरम्यान रिलेशनशिप को भी देखती है और इनके ख्याल में आ, जो दुनिया का पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी इसी तरह से क्लास बेस्ड है और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लेबर के लिए और रॉ मटेरियल के लिए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लो इनकम कंट्रीज़ को एक्सप्लाइट करते हैं सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम थीरी The world is divided into core, semi periphery, and periphery, with the core countries dominating the global economy and periphery countries being exploited for their resources and cheap labor. So, this theory suggests that global inequality and poverty can only be addressed through systematic changes to the current world. एक्नॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम तो अगर हमने दुनिया के अंदर कोई बड़ी तब्दीली लेके आनी है और वाकई ही हम इस हवाले से मुखल हैं कि दुनिया के जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी जो है वो इस तरह का पोटेंशियल पैदा हो ताकि वो डेवलप कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ सकें तो इसके लिए हमें इस पूरे निज़ाम को जो ग्लोबल एक्नॉमिक सिस्टम है उसको तब्दील करना पड़ेगा उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिनको रॉ मटेरियल के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है लेबर के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके पास भी वो मींस ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए वो पोटेंशियल रिसोर्स होने चाहिए और उनको अपनी लेबर को जो है ख़ुद इस्तेमाल करने के पोटेंशियल या ख़ुद इस्तेमाल करने के मौाक़े मिलने चाहिए इसी तरह से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो उन डेवलपिंग या लेस डवेलप कंट्रीज़ को जो है इस तरह से एक्सप्लॉयट ना करें कि उनसे वो ना सिर्फ कि वो चीप लेबर लेती हैं बल्कि उनको इसके बदले में जो टेक्नोलॉजी दी जाती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है इंटरेस्टिंगली uh, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हो सकता है कि उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ की मटेरियल रॉ मटेरियल या चीप लेबर की बदौलत ही मार्ज़ वजूद में आई हो लेकिन चूँकि आइडियाज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं और इन्हीं आइडियाज़ की बदौलत वो टेक्नोलॉजी जो है उसकी वैल्यू भी डिटरमिन की जाती है तो एडवांस या डेवलप कंट्रीज़ जो हैं जब पेरिफेरल कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर आती हैं तो ये सिस्टम जो है पोटेंशियल इनकॉलिटी के ऊपर मबनी होता है तो स्ट्रेटिफिकेशन का जो ये निज़ाम है इसमें अगर तो जो डवेल्प कंट्रीज़ हैं और जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें एक ऐसा ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जिसमें कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं नस्बता डेवलप कंट्रीज़ के तो वो फिर सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं तो इन पाकिस्तान इफ़ वी सी द वर्ल्ड सिस्टम थीरी दैट हैज़ बीन यूज टू क्रिटिक द कंट्रीज़ पोजिशन इन द ग्लोबल इकॉनमी एंड टू एडवोकेट फॉर मोर एक्विटेबल ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज तो पाकिस्तान चूँकि लो इनकम कंट्रीज़ का हिस्सा है पैरिफ्रल कंट्रीज़ का हिस्सा है इस वजह से यहाँ से भी आप देखते होंगे कि जो लेबर फोर्स है वो हमारे एक्सपैट्रिएट्स की सूरत में बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो है आ, वो लोग जाते हैं वहाँ पे चीप लेबर उनको मैसर होती है हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं ब्रेन ड्रेन के ज़रिए डेवलप कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं इसी तरह से जो चीप रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ से लेके जाया जाता है और उसकी वो वैल्यू नहीं होती है जिस जितनी वैल्यू उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद उससे जो कॉमोडिटी बनती है उसकी होती है तो इन नेचुरल इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू आल्सो के आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो बाकी ग्लोबल वर्ल्ड है उसके साथ ताल्लुक किस तरह का रहा है हिस्टोरिकली और इस प्रोसेस के अंदर कौन सी ऐसी कोर कंट्रीज़ थी जिनसे पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एड की मद में रिसोर्स की मद में या टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की मद में जो है वो मदद लेता रहा है और इसके बदले में जो अपना रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करता रहा है या अपनी चीप लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा है